हे गाइस, आज फुल एनर्जी के साथ अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे आप देख सकते हो। सो वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर, और ये रहेगा इस पर। सो ऑब्वियसली टाइटल तो देखा ही रहेगा आपने, बट व्हाट्स रिटन ऑन माय टायर। तो टायर पे क्या क्या लिखा हुआ है और क्या मतलब है उस चीजों का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गो बैक टू द बोर्ड एंड फाइंड आउट what exactly is written on my tire. Okay guys, so पहला number है 150 by 60, जो हर एक टायर पे होता है। हम लोग मेरा Pirelli लेंगे for example. So पहला आता है 150 by 60. So basically इसका क्या मतलब है, जो 150 है is the width of the tire in millimeters. मतलब जो हमारा सामने का प्रोफाइल है, जो हमें दिखता है, जिस पे ट्रेड पैटर्न वगैरह सब रहता है। एंड द नेक्स्ट नंबर इज बाय 60। व्हाट डज दिस मीन, ये है साइड प्रोफाइल इन परसेंटेज। बेसिकली 60% इसका। उसके बाद आता है ZR17। अभी ये जो पहला है, ये सबके गाड़ियों के टायर पे नहीं रहेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज बेसिकली वो टायर का स्पीड रेटिंग। सब टायर्स का आगे आता है, मेरे टायर का इधर भी आया है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अ स्पीड रेटिंग अल्फाबेट, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। नेक्स्ट आता है आर। व्हाट इज आर? आर इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस हिसाब से आपका टायर बनाया है, दैट इज रेडियल। आर रेडियल। नेक्स्ट इज द रिम साइज। ये 17 जो है वो आपका रिम का साइज है, उस हिसाब से आपको टायर लेना है ऑफ कोर्स। एंड ये आपके गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे मोजो का है तो ऑब्वियसली 17 फ्रंट 17 बैक, सो 17। एंड देन इसके बाद आता है ये। सो ऑब्वियसली गाइस, ये गाली नहीं है, अब्यूज नहीं किया है, दिस इज MC Pirelli स्पेसिफिकली कहता है मोटरसाइकिल, नथिंग टू फैंसी। ऑब्वियसली MC सबको समझ में आ जाएगा, गाली नहीं है, इट इज वॉट इट इज। एंड सब गाड़ियों के टायर पे ये रहना जरूरी नहीं है, मेरे टायर पे था सो मैं बोला आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट इज 66। तो ये क्या है, ये है वेट रेटिंग, मतलब कि आपका टायर कितना वेट झेल सकता है। इन दिस केस इट इज 300 kgs। मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, एक शीट दिखाऊंगा मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि और कौन से रहते हैं। आप तभी वीडियो जरूर पॉज करके देखिए। एंड देन द लास्ट वन इज W। टेंशन ना लें, इसके नीचे सोना चांदी पैसा 100 crore को छुपा हुआ नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्पीड रेटिंग ऑफ आर टायर। तो ये W रेटेड है, इसका मतलब है द टायर इज केपेबल ऑफ गोइंग 240 km/h। सो 240 तक की गाड़ी का टायर जा सकता है। ऑफ कोर्स हमारे इधर हम भगा नहीं पाएंगे, बट इट इज स्टिल देयर। सो और लास्टली या सेकेंड लास्टली गाइस आता है ये नंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है। सो व्हाट डज दिस मीन? तो बेसिकली ये है इस टू डिफरेंट नंबर्स, राइट? सो पहला है 25, जो 25th वीक ऑफ द ईयर कहलाता है, 25th वीक। और जो ये है 2016, राइट? सिंपल। सो 25वें हफ्ते का टायर था ये मेरा Pirelli 2016 का। 25वां हफ्ता लगभग 20 जून के आसपास आता है। सो ये था Pirelli का हिस्ट्री बेसिकली। एंड लास्टली गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज द टायर रोटेशन, जो हर एक साइड रहता नहीं है, बट इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो क्या होता है, डायरेक्शन और टायर रोटेशन। सो अगर आप ये मार्क देख के नहीं करोगे, देर कुड बी सम कॉम्प्लिकेशंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ होगी, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आगे अगर गड़बड़ हो जाए तो वापस टायर निकालो, वापस ये करो, नहीं नहीं हम लोग को वो नहीं चाहिए। सो बेसिकली गाइस,
टायर रोटेशन देखो, अपना मार्क्स देख लो, सीख लो, और ये नंबर ना भूलें, वी नीड टू हैव फ्रेश टायर्स ऑन आवर बाइक्स। एंड ऑलराइट गाइस, बिफोर आई फॉरगेट, ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट, इसलिए ये बीच में ऐड कर रहा हूँ, बट टायर हैज अ ब्रेक इन पीरियड। ब्रेक इन पीरियड ये होता है कि टायर अभी रिसेंटली बना है, सो उसका रबर को कोटिंग वगैरह रहता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू सफिशियंट ग्रिप, सो यू हैव टू ब्रेक इन, जैसे हम गाड़ी स्लो चलाते हैं वैसे, नो हार्ड एक्सेलरेशन, नो हार्ड ब्रेकिंग, एक आराम से चलाना है नियरली 250 odd किलोमीटर्स तक। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, नहीं तो टायर गलत वेयर हो सकता है, जल्दी वेयर हो सकता है, या यू नो माइट नेवर गिव यू ग्रिप, नो आइडिया, सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर माई अपकमिंग चेन का वीडियो, मैं ऐसे ही चेन का भी इंफॉर्मेशन दूंगा। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, एक रूम में मैं बोर्ड के साथ, सो डू गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। और ऑफकोर्स अगर आपके पास कुछ आइडियाज एंड यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज ऑन योर आइडियाज, डू कमेंट डाउन बिलो, सो दैट आई कैन कीप मेकिंग मोर होपफुली इंटरेस्टिंग कंटेंट लाइक दिस। एंड That's it guys, I'll see you in the next one.